नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम। आप सभी का स्वागत सीजी बाइकर 22 में। चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूं। सूर्य नारायण का मेला है आज, और क्या बोलते हैं, मांघी पूर्णिमा भी है। वहां नहाते हैं, फिर माहौल कैसा है दिखलाता हूं आप लोगों को। चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूँ सूर्य नारायण। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए फाइनली गिधौरी। गिधौरी में निकल रहे हैं। यहाँ देखिए, जमीन को लौटते हुए जा रहे हैं माता सबरी और भगवान श्री राम को अर्पित करने के लिए। ये हम लोग पहुंचने वाले हैं गिधौरी का पेट्रोल पंप। यह साइड में देखो, गिधौरी का ग्रामीण बैंक है यहाँ पे। ये रहा साइड में, और हम लोग पहुंचने वाले हैं गिधौरी का पेट्रोल पंप। ये रहा सामने में। ये गाड़ी को क्या हो गया है भाई, बीमारी तो नहीं हो गया है? बीच रोड में खड़ा करके रखे हैं। ये साइड में पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप को क्रॉस करने के बाद हम लोग निकल गए आगे की ओर। अरे बाप रे गाड़ी! और यहाँ से यू टर्न लेकर के हम लोग निकलेंगे सूर्य नारायण के लिए। पुलिस वाले तो अभी एक दो जने बस हैं यहाँ पे। अब ये देखो भीड़ चालू हो गया है। पुल में तो बहुत ही भीड़ होगा। भीड़ तो दिखते ही जा रहा भाई। ये देखो भीड़ होते जा रहा इस तरफ जो है। पुल में तो अच्छे खासा ही होगा, नहीं उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। ये पोपट वाला गाड़ी को रुकवा रहे हैं बच्चे उसके ऊपर से कूदने के लिए। ये देखो भाई पुल का नज़ारा। पानी बहुत ही अच्छा रुका हुआ है, तो बहुत मज़ा आता है इसमें देखने से, बहुत अच्छा लगता है। कूदने को तो विचार नहीं है भाई, सभी लोग जा रहे हैं नदी पार करके उस पार नहाने के लिए। आज पूर्णिमा है तो मांघी पूर्णिमा। ये देखो गाड़ी भर भर के वापस आ रहे हैं, पिकअप फुल होकर के आ रही है उधर से। अब नहाने जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं रिटर्न नहा धो करके। जो रात में गए रहते हैं ना, वो दिन को आ जाते हैं सुबह सुबह, और जो अभी जाने के लिए वो करते हैं, वो फिर रात तक आएंगे आराम से शाम तक। ये देखो तो सतनाम वाले, गिरौदपुरी वाले, गिरौदपुरी के दर्शन करने के बाद गुरु घासीदास बाबा को, और आ रहे हैं माँ सबरी को दर्शन करने। यहाँ भी देखो यहीं पे अस ठंडा करते हैं, कितना भीड़ लगा हुआ है नहाने धोने में। और हम लोग यहाँ से यू टर्न लेकर के सीधा हम लोग निकलेंगे राम घाट को। यहाँ से यू टर्न लेंगे और निकल जाएंगे सीधा राम घाट को। ये देखो प्रतिमा भगवान श्री राम जी का, ये देखो कितना बड़ा है। और गार्डन जैसा बहुत ही अच्छा साइड साइड में सजाए हैं भाई। गाड़ी तो देखो, अरे बाप रे! अरे यार अभी से इतना भीड़ भीड़ लग रहा है, तो अंदर जाने के बाद क्या होगा भाई? पुलिस वाले आ रहे हैं इधर से। पुलिस वालों को तो जलवा है भाई, जहाँ भी देखो वहाँ हर चीज़ का सुविधा रहता है उन लोगों को, बस दिक्कत होता है तो पब्लिक को। यहाँ भी देखो कितना भीड़ लगा हुआ है नहाने धोने में। अरे अरे भैया आराम से आराम से। अरे गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में घुसा घुसा दे रहे हैं भाई। अरे यार ये ऑटो वालों, देखो भाई साइड दे नहीं रहा, गाड़ी एकदम लाइन से लगा कर रखे हैं यार चार पहिया वाहन। हम लोग यहाँ से घुसाएंगे गाड़ी और चलेंगे राम घाट। सभी लोग जा रहे हैं नहा धो करके, रिटर्न आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। देखो तो भीड़ तो उतना ज़्यादा नहीं है। मंदिर के पास जो बाहर निकालने वाला जो रोड है ना मंदिर का, वहाँ होगा शायद भीड़ ज़्यादा। ये रहा भीड़, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है भीड़। यहाँ पार्किंग है, गाड़ी
मस्त भीड़ तो लगा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ से जाते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम और माता सबरी को। साइड वाला रास्ता है ये, पीछे वाला। और यहाँ से, अरे अरे भैया लोग, भाई पता नहीं क्या समझते हैं, गाड़ी आने जाने कभी साइड नहीं देते हैं भाई। ये देखो तो, ये देखो तो, ऐसा होता है क्या? बाबा जी को जय राम, आरती सजा करके जा रहे हैं भाई, तो बनता है। यहीं पे एक माँ गंगा जी का आरती होता है, पर डे होता है भाई। और हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर, राम घाट को। ये हम लोग पहुँच गए, थोड़ा सा बस बचा हुआ है, बस ये पहुँच गए राम घाट। गाड़ी को थोड़ा साइड करते हैं इस तरफ, उसके बाद ये देखो बच्चों का मुंडन कराते हैं यहाँ। लेकिन मुंडन कराते हैं तो ज़्यादा पैसा ले लेता है भाई मुंडन का, जो है जिस हिसाब से मुंडन होता है ना उस हिसाब से पैसा ज़्यादा लेते हैं। और ये दुकान में चलते हैं हम लोग, कुछ सामान लेंगे, साबुन और क्या बोलते हैं तेल वगैरह नहाने धोने के लिए। भाई जी तो आराम से जा रहे हैं भाई, शिवा भाई ये पैसा वैसा दे रहा है, साबुन और तेल ले लिए हैं अपन लोग। कैबड़ते हैं दबेत कैबड़ते, उन्हीं के पास ले रहे हैं तेल वगैरह। ये देखो भाई कितना भीड़ है यार, देखो तो कितना भीड़ है। ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं भाई? ये लोग तो सब चढ़ाने वाला है, लेने वाले हैं। यहाँ साइड में बनाए हुए हैं जो महिलाएं नहाने धोने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करने के लिए। देखो कितना सारा भीड़ है, और बोट भी है भाई, बहुत ही अच्छा लगा हुआ है यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो हम लोग फाइनल यहीं पे नहा लेते हैं, उसके बाद फिर देखो बोट कितना है, 30 रुपये ले रहे हैं भाई बोट को जो है पर व्यक्ति का, 30 रुपये ले रहे हैं एक व्यक्ति का। पहले जो है मकर संक्रांति में हम लोग आए थे तो 20 रुपये दिए थे, अभी 30 रुपये दे रहे हैं, ले रहे हैं। ये देखो कितना सारा बोटिंग है। तो पर भी आदमी घूमने के लिए बहुत तत्पर हैं, देखो कितना बोटिंग है। कितना अच्छा जगह है यार, नहाने में भी बहुत मज़ा आता है, फूल पानी है। नहा धो के तैयार हो गए, अब चलते हैं बाहर की ओर, निकलते हैं नहाने धोने के बाद। आप इधारे धो भी इधारे पूरा कंप्लीट। ये देखो बोटिंग भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी भी आते हैं तो बोटिंग कर सकते हो। और इधर सुलभ शौचालय के लिए भी व्यवस्था है। ये देखो कितना वाटरफॉल चल रहा है यहाँ पे। वाटरफॉल है ये, हमें बहुत दिनों से चल रहा है ये जो है बनाए हैं। और इस साइड देखो कितना सारा भीड़ बैठे हैं। ये देखो एक जने गुड़िया कूदते हुए आ रही है, फिसल रही है, ये तो बच्चों को खेलने का। ये देखो खाने पीने का सामान वाले भैया लोग, यहाँ बन रहा है गन्ने का जूस। और ये सब खाने पीने वाले हैं भाई, हाँ जी हाँ। देखो वहाँ गुपचुप चाट वाले, और ये है सृष्टि चिकन सेंटर, जूता चप्पल वाले भैया सब अपने अपने धंधा को लेकर बैठे हुए हैं, कहीं से भी 2 रुपये कमा लें। चल आती अंदर घुसबो। और यहाँ से मेले की ओर प्रवेश करते हुए अरे झूला तो बंद है यार, देखिए चालू कर दिए ऐसे। ये देखो
बड़ा जैसा झूला, और ये है साइड झूला वाले, आगे पीछे होता है पूरा। अभी मेला इतना स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, और डिस्को डांस वाले भी चालू नहीं हुआ है। ये सुपर ड्रैगन ट्रेन, ये भी चालू नहीं है। अरे अभी कुछ भी चालू नहीं हुआ है शिवा, क्या मतलब से आए हैं यार यहाँ? हाँ क्या मतलब से आए बॉस, कोई मतलब का नहीं है यार अभी तो। ये है मौत कुआ, चालू हो गया है। और कुछ सजन है और मेरे भाई को देखना है, ये भी कर चल जा को अपना अपना टिकट लेकर हर बंदे से जाइए। बाहर में सोची नहीं, आज देखना है मेला का सबसे बड़ा खेल ये बुढ़िया मारवाड़ी सर्कस का, और टिकट लेकर हर बंदे से जाइए। ये देखो चश्मा वाले भैया जी बैठे हैं लगा करके, ये देखो चश्मा वाले कपड़ा वाले भी लगा कर रखे हैं। ये देखो होटल लक्की भोजनालय, और ये क्या है भाई, ये है होटल। एक बार इस बार भी है होटल वाले, पूरा इस बार इस साइड तो पूरा होटल वाले ही बैठे हैं भाई, होटल लगा लगा करके। ये चश्मा वाले भैया, ये देखो कुछ सामान लेकर के बैठे हैं। ये टिकली फुंदरी वाले, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो रेसा ढूल झूला है और क्या बोलते हैं ये, एक और क्या बोलते हैं ब्रेक डांस वाले झूला देखते हैं। देखो झूले की ओर जो है कितना भीड़ है भाई, चालू हो गया है रेसा झूला, कितना भीड़ है यार। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला स्टार्ट हो गया है, और ये भी भराते ही जा रहा है ब्रेक डांस वाला झूला, देखते हैं कितने टाइम तक चालू हो जाता है। ये ड्रैगन झूला तो चालू नहीं हुआ भाई अभी तक, क्या बात है, हो जाएगा उनका झूलने वाला बस चाहिए। ये तो फुल चल रहा है भाई रेसा झूला, ये मेरे को बहुत डर लगता है चढ़ने में भाई, इसका क्या पता कुछ हो जाएगा तो वहाँ से जैसे गिरोगे नीचे तक ख़त्म। इंसान पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन तो पर भी आदमी अपने मौत को नहीं डरते हैं, चढ़ जाते हैं। ये चालू हो गया है, आप देखो जितना सेल्फी ले रहे हो ना उससे ज़्यादा तुम लोगों का सजा हो जाएगा। वाओ अब फास्ट चालू हो गया है भाई, अरे 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 आँख ही बंद करके झूला झूल रहे हैं, चढ़ तो गए हैं शौक से, लेकिन वहाँ तो सजा हो जा रहा है, वहाँ से निकलने में दिक्कत ना होगा। ये भाई साहब तो सेल्फी रहे हैं भाई, सेल्फी ले रहे हैं बहुत घूम घूम के, इसका मतलब ये पहले से झूलते हैं रेसा झूला। ये गुड़िया इसी साइड में है, अकेली अकेली बैठी है, वो तो जाने दो भाई उसका डर, ये साइड में ही है कहाँ नहीं तो दिख रही है वो। रेसा झूला फुल चल रहा है भाई, ये झूला तो हमेशा जब भी आता है ये हमेशा पैसा लेकर के जाते हैं भाई, फुल पैसा लेकर जाती है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्रैगन झूला भी चालू हो रहा है, ये देखो देखने से बहुत अच्छा लगता है यार ये झूला जो है, ये देखो ड्रैगन झूला, बहुत डर लगता है भाई मेरे को, मैं झूल नहीं पाता हूँ ये सब जो है। क्या झूला है यार, ये देखो ये वाला तो और दिमाग खराब कर देता है भाई, ये एक भांवर घूमती है, ये इधर से उछालेगी एक बार, इधर से उछालेगी उसके बाद जो है एकदम ऊपर जाकर खड़ा हो जाती है, और दोनों साइड में भाई कैसे डर नहीं लगेगा, आदमी का दिमाग गोल हो जाता है इसमें तो।
इस साइड का झूला भी लटक गया है, अभी चालू नहीं हुआ ऐसा लगता है मेरे को, तो लोग तो भरा नहीं है इसमें भी। ऐसा झूला खड़ी है चुपचाप, ये चालू है धीरे धीरे। ये झूला तो बहुत खतरनाक झूला है भाई, पूरा उड़ जाता है जैक जो है, और पूरा चारों ओर जो है ऑटोमेटिक घूमता रहता है। अरे बाप रे, देखने से बहुत ज्यादा डर लगता है। छोटे छोटे गुलदस्ता कितना अच्छा है भाई, सारा भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है आज का मार्केट जो है, बहुत सारा भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। 1,25,000 पंचमुखी रुद्राक्ष की शिवलिंग का यात्रा है।